को एक से दो बार पढ़ लीजिए, ध्यान देना सर फिर से एक बार। करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन सीरीज सर्किट कंटेनिंग एन इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर ऑफ 5 ओम। ध्यान देना, मतलब एक सीरीज सर्किट है, जिस सीरीज सर्किट में कौन कौन, एक बल्ब है और एक कंडक्टर है ना, एक बल्ब है और एक कौन है, कंडक्टर है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 ओम दिया हुआ है। बल्ब का रेजिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, ये दोनों लगाया गया है सीरीज में, दिखाई पड़ रहा है। ये मान लो बैटरी है, एक 10 वोल्ट बैटरी, बैटरी कितने वोल्ट का है, बैटरी 10 वोल्ट का, दैट मीन्स इस बैटरी का पोटेंशियल दिया हुआ है आपके पास 10 वोल्ट। ये गिवन है, ये प्लस ये माइनस हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। तो निकालने का रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब निकल जाएगा ना, लैंप का रेजिस्टेंस निकल जाएगा आराम से। जब ये सीरीज में है तो इसका रेजिस्टेंस आर मानेंगे तो बोलोगे टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस आपका हो गया, जब ये दोनों सीरीज में है तो आप पढ़े रिजल्टेंट निकालने के सबको जोड़ते हैं ना, R1 + R2 दैट मींस R + 5, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। और बैटरी से कितना अमाउंट में करंट चला है तो साफ कह रहा है कि 1 एम्पियर करंट फ्लो किया है, दैट मींस करंट सीरीज में दोनों में सेम होता है, इसका मतलब बैटरी से भी 1 एम्पियर करंट चला होगा। चलिए हम ना आप क्या बोल रहे हैं, हम लोग पढ़े हैं टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। जब ये टोटल यूज कर रहे हैं तो करंट भी क्या टोटल यूज करेंगे ना, कितना 1 एम्पियर है, और रेजिस्टेंस भी टोटल यूज करेंगे कितना है, R + 5। क्या यहां से सॉल्व करके R का मान निकालेंगे 5 आएगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम, किसका, बल्ब का, ठीक है। मींस बल्ब का रेजिस्टेंस 5 ओम यहां से निकल गया। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बन गया कि बल्ब का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो बल्ब का रेजिस्टेंस यहां पर से 5 ओम होगा, जो आंसर बना लिया। उसके बाद फिर क्वेश्चन में कहा गया कि नाउ इफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड ये सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ पहले से ही है, इसके पैरेलल लगा दिया गया किसको, एक और रेजिस्टेंस को जो कितना ओम का है, 10 ओम, है ना। मतलब इस सिस्टम के, इस सीरीज कॉम्बिनेशन के पैरेलल एक और 10 ओम का रेजिस्टेंस को लगा दिया गया, ऐसा क्वेश्चन में कहा। तो पहले तो फिगर सिर्फ इतना था क्या, पहले सिर्फ ये फिगर था तो हमने निकाल लिया कि इस बल्ब का रेजिस्टेंस क्या है, अगर ये बल्ब और ये कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है लगाया गया सीरीज में, तो बैटरी से करंट चला 1 एम्पियर, बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट था, तो हम सूत्र में पढ़े हैं V = I × R, V ये टोटल वोल्टेज, टोटल करंट भी I, टोटल करंट कितना हो गया 1 एम्पियर, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया सीरीज में R + 5, यहां R का मान मिल गया। अब अगेन फिर क्वेश्चन में पढ़ा गया, उसमें कहा गया इफ, पहला सवाल बन गया, फिर कहा गया इफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 10 ओम का रेजिस्टेंस उसको कहां लगा दिया गया, पैरेलल, किसके पैरेलल, तो सीरीज कॉम्बिनेशन जो ऊपर दिखाई पड़ रहा है ना, इसके पैरेलल इसको लगा दिया 10 ओम का, ये क्वेश्चन में कह रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कहा गया करंट कितना प्रोड्यूस हुआ, व्हाट चेंज इन करंट, करंट कितना बदल गया, करंट अब 1 एम्पियर नहीं रहेगा, करंट बढ़ेगा घट जाएगा, करंट बढ़ जाएगा ना, क्योंकि पैरेलल में रिएक्टेंट रेजिस्टेंस क्या घटता है, करंट बढ़ेगा, तो करंट कितना चेंज हुआ ये निकालना है, ये आपको करंट क्वेश्चन मार्क है, करंट अब क्या होगा अगर, ठीक है, व्हाट चेंज इफ एनी इन करंट फ्लोइंग थ्रू 5 एम्पियर। सिंपल में सोचोगे 5 एम्पियर से जो करंट पास करेगा वही करंट इससे ही पास करेगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में पढ़े हैं ना, करंट क्या सेम होता है, इसका मतलब पूछा गया है कि 5 एम्पियर में कितना करंट पास करेगा उतना इससे पास करेगा, मींस इस ब्रांच में कितना करंट पास करेगा ये पूछा गया है। कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप विल टेक प्लेस, और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या चेंजिंग होगी ये पूछा गया है, गिव रीजन, ठीक है। देखिए यहां से पढ़ोगे व्हाट चेंज इफ एनी इन करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम, हमको निकालना है चेंज किसके अक्रॉस, चेंज निकालना है 5 ओम के अक्रॉस, ठीक है, 5 ओम के अक्रॉस कितना करंट चेंज करेगा वो निकालना है, और निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना चेंज करेगा इसके अक्रॉस, बोलो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस सेम रहेगा चेंज करेगा, सोच के बोलिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि ये सिस्टम पैरेलल में है ना, जब पैरेलल में पढ़ाए आप लोगों ने, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 10 का 10 ही होगा, करंट कितना है वो निकालना, ध्यान में बहुत सिंपल है।
बोलो अभी इस केस में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस इस केस में क्या होगी सर? ये पूरा सिस्टम सीरीज में है और ये इसके पैरेलल में है, ये पांच है ना, आठ का पांच निकाला है ना, पांच प्लस पांच दस, मतलब ये ब्रांच पहला ब्रांच था इस तरह से, फर्स्ट ब्रांच का रेजिस्टेंस दस ओम है, पांच ये दिया हुआ है और पांच कितना निकाला है ना, सीरीज में पांच प्लस पांच दस, और नीचे का ब्रांच का कितना दिया हुआ है दस, तो दोनों हो गया पैरेलल में। पैरेलल में रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या पढ़े? आर वन इंटू आर टू बाय आर वन प्लस आर टू पढ़े सब इसको ना। चलिए पांच दस गुना दस बाय दस प्लस दस कितना होगा? सौ बाय बीस, दैट मीन्स कितना आएगा? पांच ओम। मीन्स यहां पर भी कहोगे सर टोटल रेजिस्टेंस पांच ओम ही आएगा, सही है? जब टोटल रेजिस्टेंस पांच ओम आ गया तो बोलो टोटल करंट को टोटल वोल्टेज बाय कहोगे टोटल करंट, टोटल वोल्टेज कितना है? दस वोल्ट दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज 80 वोल्ट होगा ना, और टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? पांच काटने कितना आएगा? दो। इसका मतलब करंट बैटरी से कितना चलेगा? दो एम्पीयर, दो एम्पीयर करंट बैटरी से चलेगा। यहां से दो गया तो क्या इसमें दो ही चला जाएगा? निकालना पड़ेगा। जब इसके अक्रॉस देखिए इस ब्रांच को ब्रांच मान रहे हैं ए बी, ए बी सी, इस ब्रांच को मान रहे हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है? चलिए ध्यान दो, उसके बाद फिर अनुवाद इसके बाद निकालने के बाद कहेंगे करंट इन ब्रांच, किस ब्रांच में करंट जा रहे हैं हम लोग? ए बी सी ब्रांच में करंट जा रहे हैं, है ना? करंट का फॉर्मूला क्या होगा? वोल्टेज इन ए बी सी ब्रांच बाय रेजिस्टेंस इन ए बी सी ब्रांच, सही है? चलिए वोल्टेज इन ए बी सी ब्रांच, ए बी सी ब्रांच में वोल्टेज कितना है? दस ही है ना, दस पुट कर देंगे। रेजिस्टेंस कितना है ए बी सी ब्रांच में? रेजिस्टेंस कितना है? दस, पांच प्लस पांच दस हो गया ना, दस बाय दस कितना आएगा? वन एम्पियर। इसका मतलब कहेंगे शुरुआत में भी एक ही एम्पियर था, अभी भी एक ही एम्पियर, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन करंट थ्रू दिस बल्ब या दिस रेजिस्टर, ठीक है ना? मींस करंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, साफ रूप भी यहां हो गया। अब करंट में चेंजिंग कब होता? जब मान लो ये आपका 0.5 आता, करंट चेंज कर गया, ठीक है? करंट में चेंजिंग नहीं होगा कब? जब तुम 10 ओम का कोई रेजिस्टर को लगाओगे इस सिस्टम के पैरेलल, तो यहां से प्रूफ हो गया। इस तरफ आना इसको है, फिर से बोल एक बार, क्या क्या फिर से बोल रहे हैं? लिखिए उसको अच्छे से, एनसीईआरटी एग्जांपल का भी हर एक क्वेश्चन बनाया कीजिए, इसको ध्यान से समझोगे। सभी सीरीज एंड पैरेलल में क्या अंतर है, इसको समझेंगे कैसे, दोनों में डिफरेंस समझना कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए मान लिया जाए एक बल्ब है, ये मान लो टीवी है, ठीक है, ये मान लीजिए फ्रिज है, इसको मान रहे हैं टीवी, इसको हम लोग मान रहे हैं फ्रिज, ठीक है? बात में देखिए इसको जोड़ दिए बैटरी से, ठीक है? वही क्या किया गया यहां पर, फिर इसी टीवी बल्ब और फ्रिज को इस तरह भी जोड़ा गया, दो फिगर ड्रॉ किए हैं, ये बैटरी है मान लो, प्लस माइनस, ठीक है? प्लस माइनस, करंट हमेशा फ्लो होगा प्लस से माइनस की ओर। बोलो क्या करंट का डिवीजन कहीं भी हुआ? नहीं हुआ, करंट का रास्ता एक ही है ना, करंट बैटरी चला, करंट उसी रास्ते में चलता चला गया, कहीं भी करंट का बंटवारा नहीं हुआ ना, इसका मतलब समझ जाओ कि वो सीरीज में, जब करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा मीन सीरीज में, वो करंट कहीं भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ ना, समझ जाओ ये सीरीज है। इस पे आइए, करंट यहां चला, करंट जैसे यहां पहुंचा इसे कहते हैं जंक्शन। जंक्शन क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां से बहुत सी लाइन खुली है, नहीं गया के लिए भी, पटना के लिए भी, मुंगेर के लिए, ठीक है? जंक्शन हो गया, जंक्शन एक रूल भी है, पढ़ना है इसमें आप लोगों को लास्ट क्लास में, ठीक है? जंक्शन रूल भी एक है। करंट यहां से चला तो करंट तीन भाग में बट गया ना, करंट बट गया इसका मतलब कुछ करंट बल्ब की ओर गया,
कुछ करंट टीवी में गया और कुछ करंट फ्रिज में गया, ठीक है। इसका मतलब जब करंट का बंटवारा हो जाए, समझ जाओ वो किसमें पैडल में। अगर रास्ता एक ही है तो सीरीज में, रास्ता अलग अलग हो गया तो समझ जाना वो पैडल में, इसको सीरीज बोलेंगे, उसको कहेंगे पैडल, ठीक है। बल्ब का रेजिस्टेंस अगर मान लिया जाए, एक मिनट और, ये बैटरी है, बैटरी अगर 10 वोल्ट का है तो क्या इस बल्ब का या टीवी का या फिर फ्रिज का, तीनों का जो एंडिंग पॉइंट्स है वो सेम डिस्टेंस पर है कि अलग अलग पर है? सेम डिस्टेंस पर नहीं, मतलब जितना वर्क आपको एक चार्ज को, ध्यान देना पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों ला रहे हैं, एक चार्ज को आप इनफिनिट से इस पॉइंट पर लाएंगे, फिर इनफिनिट से इस पॉइंट पर लाएंगे, तो यहां पर पाथ ये है, यहां पर पाथ ये है और यहां पर पाथ ये है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, डब्ल्यू बाई क्यू पढ़े ना, वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, एफ इंटू एस पढ़े, डिस्प्लेसमेंट इस दोनों के बीच, इसके बीच, इसके बीच या इसके बीच, सेम एक डिफरेंट है, डिस्प्लेसमेंट इस तीनों के बीच सेम के डिफरेंट सेम है ना, क्योंकि पाथ भले अलग अलग है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम ही है, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा, पढ़े बस नाइन्थ में। मान लो एक पॉइंट ये है, एक व्यक्ति इस तरह जा रहा है, एक व्यक्ति इस तरह गया, डिस्प्लेसमेंट क्या इसका होगा, बस इसको बोलेंगे ना, ये भी कहेंगे ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहां से चाहे जहां लाएंगे ना, इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट अभी भी यही है, इस वाले केस में वही होगा, इस वाले केस में भी क्या वही ना होगा, डिस्प्लेसमेंट वही होगा, डिस्टेंस भी अलग अलग है, लेकिन फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट सबका वही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी वही होगा, तो चार्ज वही है, तो क्या भी सबका सेम होगा ना, इसलिए कहा गया v पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज सेम बिकॉज एवरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बल्ब या टीवी या फ्रिज क्या कर सकते हो, सेम कर सकते हो, इसी का इस पे आइए। तो यहां पर बल्ब यहां है, टीवी का कुछ और है और फ्रिज का कुछ और है ना, तीनों का अलग अलग है, यहां सेम एंडिंग पॉइंट पर नहीं है, इसका एंडिंग पॉइंट अलग है, इसका एंडिंग पॉइंट कुछ और है, इसका एंडिंग पॉइंट कुछ और है, तीनों का एंडिंग पॉइंट अलग अलग है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, इसका पोटेंशियल अलग होगा, ठीक है। रास्ता एक ही है करंट का, करंट सेम क्यों है, क्योंकि रास्ता एक ही है, पोटेंशियल कितना अलग अलग क्यों है, क्योंकि पॉइंट जो ज्वाइन कर रहा है अलग अलग है, वो यहां सबका पॉइंट एक ही है, इस कारण से यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। मींस अगर बैटरी का 10 वोल्ट है तो कहोगे इन सबका पोटेंशियल कितना होगा, 10-10 वोल्ट ही होगा, ठीक है ना। मींस पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक इंस्ट्रूमेंट हर एक डिवाइस के अक्रॉस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। लेकिन सीरीज में बट क्यों गया, पैरेलल में सेम क्यों हुआ, उसको आप इस तरह समझ सकते हो चाहोगे फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। अब आइए कि करंट इसमें अलग अलग क्यों हो गया, कारण क्या, देखें ना, बल्ब मान लो अगर सबसे कम रेजिस्टेंस का 3 ओम का है, टीवी 4 ओम का है, फ्रिज मान लो 10 ओम का है, ठीक है। सबसे कम करंट किस ब्रांच में जाएगा, सबसे कम करंट किस ब्रांच में जाएगा, फ्रिज वाले में, और सबसे अधिक जाएगा किसमें, बल्ब वाले में, क्योंकि सबके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है। तो आप लोग पढ़े वी इक्वल टू आई इंटू आर में पढ़े, जो पोटेंशियल सेम है इसका मतलब कहोगे सर आई इक्वल टू वी बाय आर, इसका मतलब कहोगे आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, बिकॉज वी इज सेम फॉर ऑल द टर्म्स, क्या जितना भी टर्म है सबके लिए भी सेम है, जब वी सेम वी हट जाएगा, आई इनवर्सली किसके हो गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा उस ब्रांच में करंट कम, नहीं यहां से आप समझ सकते हैं। तो पैरेलल में करंट अलग अलग क्यों हुआ, चूंकि कारण यहां दिख रहा है साहब, पैडल में वोल्टेज सबका सेम था, वोल्टेज सेम क्यों हुआ, डिस्प्लेसमेंट सेम था, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वही था, चार्ज वही है, तो वोल्टेज सेम है, वोल्टेज सेम तो बी हट गया, सिंबल आ गया, बी आई और आर के बीच संबंध इनवर्सली का है, आर जिसका अधिक होगा उसमें करंट कम होगा, आर सबसे अधिक किसका है, फ्रिज का है, मीन सबसे कम करंट कहां जाएगा, फ्रिज वाले ब्रांच में जाएगा, मिनिमम करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच ऑफ फ्रिज एंड मैक्सिमम करंट फ्लोज थ्रू द ब्रांच ऑफ बल्ब, ठीक है। यहां आइए इस पर, यहां पे कहोगे सर करंट सब में सेम है, दैट मींस कहोगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, नहीं कहोगे करंट जब सब में सेम, करंट हट जाएगा, सिंबल डायरेक्टली आ जाएगा ना, करंट हट गया, सिंबल डायरेक्टली आ गया, v डायरेक्टली r हो गया,
जब भी डायरेक्टली आड़ हो गया, ये ओम तो नहीं है, ओम तो ना तो ये है ना तो ओम तो ये है, ओम तो था भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई था, ये ओम तो उसने आया, ये भी ओम तो उसने आया, ठीक है, ये पैरेलल और सीरीज वाले कंसेप्ट से आया है, ठीक है ना। तो भी यहां पर आर डायरेक्टली क्यों है, चूंकि आई कॉन्स्टेंट, आई कॉन्स्टेंट क्यों है, रास्ता एक ही समय, तो बोलो यहां पर भी वही चीज, बल्ब 3 ओम का है, टीवी 4 वोल्ट ओम का है, और यहां पर ये 10 ओम का है। ध्यान से सुनोगे, करंट सब में सेम फ्लो करवाना है, करंट सब में सेम फ्लो करे तो एक ही उपाय है करंट सब में सेम फ्लो करने के लिए, कि जिसका अक्रॉस रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा दे, जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज अधिक हो जाएगा, ताकि करंट को वहां तक वो पहुंचा पाए। क्या करंट का अमाउंट सब में सेम रखने का उपाय क्या है, जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ा देंगे, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट अपने आप उसको उस लेवल तक पहुंचा देगा, क्या है कि नहीं। इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस सबसे अधिक है, ठीक है, तो करंट नियमता सबसे कम होना चाहिए, फिर भी करंट इसमें भी उतना ही फ्लो कर रहा है जितना कि बल्ब में कर रहा है, क्यों, चूंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज सपोर्ट किया है, इसका सपोर्ट कैसे किया, अपने आप की वैल्यू को बढ़ा करके, ठीक है, तो भी यहां पर बढ़ जाएगा जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है, जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां भी इस तरह से हो जाएगा मैनेज कि सब में क्या होगा, करंट सिमिलर है, ठीक है, यही आपका मेन काम होता है सीरीज और पैरेलल का, ठीक है ना। तो सीरीज में फिर बोल रहे हैं रटना सिर्फ में सीरीज में करंट सबका सेम होता है, पहले में डिपेंड होता है वोल्टेज का, अलग अलग होता है वोल्टेज का सेम होता है, क्यों होता है, उसका एक कंसेप्ट वही है जो वहां से या फिर उस फॉर्मूला से या यहां से, तीनों के हम अस्तित्व समझा दिए। तो एज ए होल आप लोग कर सकते हैं सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस डिफरेंट होगा, करंट सेम होगा, ठीक है, पैरेलल में सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट डिफरेंट होगा, बस दो ही चीज ध्यान रखेंगे हम सब। क्या बोले आपको हम सीरीज वाले केस में, देखिए सीरीज वाले केस में सीरीज और पैरेलल में बस तीन चीज को आप ध्यान रखिए, उसके बाद इसका फॉर्मूला खुद भी हम कर देंगे। सीरीज में क्या बोला मैंने आपको, करंट सेम थ्रू ऑल रेसिस्टर, सही है, हर एक रेजिस्टर से करंट सेम होगा। दूसरा क्या बोलोगे, वोल्टेज डिफरेंट थ्रू ऑल रेजिस्टर, थ्रू नहीं है अक्रॉस होगा, डिफरेंट अक्रॉस ऑल रेजिस्टर, यहां पर टोटल वोल्टेज बैटरी का वी है तो टोटल वोल्टेज को आप वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री करंट नहीं, सारे डिस्प्लेसमेंट का सम करोगे मिल जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए यहां ये अब इसमें क्या बोलोगे, इसका उल्टा बोलोगे ना, यहां क्या बोलोगे, आई इज डिफरेंट, सेकेंड केस में क्या बोलोगे, यहां पर वी इज सेम, और थर्ड में क्या बोलोगे, यहां पर तीनों करंट का सम, मान बैटरी से करंट आई चला तो करंट यही ना, करंट कुछ आ गया कुछ यहां कुछ यहां, इसका मतलब तीनों करंट का सम आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ठीक है, बस यही तीन चीज पर आपका बेस्ट होगा प्रूफ बेस का, इसको ध्यान रखिएगा अच्छे से, नोट कहीं कर लीजिए, नोट नहीं और किया हुआ कहीं तो। चलो अभी फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, फटाफट ध्यान से लिखिए इसको, सबसे पूछेंगे भी हम जान लो पढ़ाया अभी जस्ट, शांत रहोगे, रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3, R4, R5, R6, R7, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, ठीक है, तुम बताओगे यहां पर कौन किसके पैरेलल है, कौन सा रेजिस्टेंस किसके पैरेलल है, सोच के बोलो, आर थ्री आपसे पैरेलल है, एक ब्रांच में जो जो आएगा पहले सबका नाम लो देना पड़ेगा आपको, देखो बोलना पड़ेगा, बैठो बैठो, आर थ्री आर फोर है ना, ये आर थ्री आर फोर, ये पूरा ब्रांच, इस पूरे ब्रांच के पैरेलल बोलना तुम्हें पड़ेगा सर, आर थ्री एंड आर फोर इज पैरेलल विद आर फाइव आर सिक्स एंड आर सेवन, ठीक है, पढ़ाओ तुम, आर फाइव आर सिक्स आर सेवन सिर्फ
सीरीज में पैरेलल में वो इस ब्रांच में करंट गया मान लो, करंट का रास्ता वही है ना, इसका मतलब ये तीनों है सीरीज में, बट ये तीनों इस दोनों के क्या है पैरेलल, ठीक है। चलो बट तुम बताओगे आर टू और आर थ्री सीरीज की पैरेलल, सोच के बोलोगे सीरीज कैसे कहोगे, करंट यहां से गया वो करंट बढ़ गया ना, फिर कुछ यहां चला गया, सेम तो गया ना, आर टू के बाद करंट आर थ्री में सेम गया नहीं गया, कुछ नीचे ना चला गया ना, इसका मतलब आर टू भी आर थ्री क्या है पैरेलल, सिर्फ दिखेगा पैरेलल तो पैरेलल नहीं बोलना है इन्हें, बस ये इसके पैरेलल लिख के तो बोल देना, जहां बट गया समझा पैरेलल है, ठीक है याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है फिर ये आप अधिकांश ऐसी फंसता हुआ डेंट, इसलिए उसको हम बार बार क्लियर कर रहे हैं, आर वन है ये आर टू ये आर थ्री आर फोर, ये इंड ए है ये इंड बी है, जहां डार्क कर दिया इस तरह ना, जहां भी डार्क कर दिया है समझ जाना कि बैटरी ही जोड़ा गया है, ठीक है, जहां भी फिगर में डार्क किया है समझ जाना कि बैटरी दोनों इसी इंड से लिंकअप किया गया है, मीन्स ये प्लस ये माइनस अपने आप मान लेना, तुम मानना पड़ेगा इन्हें कि बैटरी यहां जोड़ना, फिर जहां पर डार्क करेगा समझो उसी इंड से जोड़ा गया बैटरी। चल बताओगे तुम मर जाना, आर वन आर थ्री सीरीज की पैरेलल, सही है तो जब रास्ता नहीं बटे एक ही रहे समझो सीरीज में, रास्ता चल रहा है यहाँ चला यहाँ पहुंचा यहाँ जैसे ही पहुंचा रास्ता में एक मिले इधर भी बट गया ना समझ जाओ कि इसके पैरेलल में, मींस ये पूरा ब्रांच इस पूरे ब्रांच के पैरेलल में, ठीक है। या तुमसे पूछेगा कि आर वन आर थ्री क्या है पैरेलल का होगा, आर टू आर फोर क्या है पैरेलल का होगा, आर थ्री आर फोर क्या है रास्ता ही है ना सीरीज में, ठीक है सबको ध्यान रखिएगा। क्या आपको इस एक तार है, इस तार का रेजिस्टेंस आर है, ठीक है एक तार है रेजिस्टेंस आर है, इसको सेमी सर्कल में मोड़ दिए ना, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, चूंकि वायर का लेंथ वही है सर्कमफेरेंस वाइज मोड़े हैं इसको रेजिस्टेंस आर ही इसका होगा ना, बिल्कुल सही रेजिस्टेंस इसका आर ही होगा, जब भी एक तार को एक सर्कल में मोड़े समझ जाओ रेजिस्टेंस उसका सेम होगा, रेक्टेंगल में मोड़े रेजिस्टेंस क्या एक सेम होगा, इस तार को रेक्टेंगल में मोड़ेगा इस तरह से या स्क्वायर में भी तो भी क्या होगा रेजिस्टेंस क्या इसका होगा सेम होगा, ठीक है। अगर मैं कहूंगा इस तार को मैंने रेक्टेंगल में स्क्वायर में इस तरह से जोड़ दिया, नाम दिया स्क्वायर का ए बी सी डी और ए को और सी को डार्क कर दिया, बताओगे जैसे तुम बताओ सिस्टी व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी टुकड़ा का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी टुकड़ा हो गया ना, चार टुकड़े में बांट दिए इसको, ए बी का रेजिस्टेंस कितना होगा 1/4, सही है आर एन तो आर बाय फोर बोल रहा हूं मैं, फोर नहीं 1/4, ठीक है सही है क्या देगा नहीं रेजिस्टेंस आर था, अब कहो ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, चूंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली किसके है एल को होता है, पढ़े हो ना लेंथ को चार टुकड़ा में बांटे तो रेजिस्टेंस भी चार में बट जाएगा ना, आर बाय फोर आर बाय फोर आर बाय फोर आर बाय फोर, ठीक है ई आर बाय फोर ई भी कितना आर बाय फोर ई भी कितना आर बाय फोर, अब बोलो कि यहां पर डार्क ही है ना इसका मतलब बैटरी को बस यहीं से जोड़ देना, जोड़ दिए बोलो ए बी और बी सी ब्रांच सीरीज की पैरेलल, तुम बताओगे ए बी और बी सी ब्रांच सीरीज है कि पैरेलल है सर पैरेलल, सोच के बोलोगे ए बी और बी सी, ए बी और ये बी सी बैटरी करंट चला देखो यहाँ करंट पहुंच गया ये सीरीज में होगा, करंट जैसे यहाँ पहुंचा
कुछ कह दिया यहाँ गया कुछ यहाँ गया, जो इधर गया ए बी में वही नहीं गया बी सी में भी, मस्त है इसकी बात तो सीज में है, ठीक है। हाँ पूछे ए बी और ए डी क्या है, तो कोई भी पैरेलल में, ठीक है, ए बी और ए डी क्या है, ये पैरेलल में, लेकिन ए बी और बी सी क्या है सीरीज में, ए डी और डी सी भी क्या है सीरीज में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, पढ़ो ये का इसका डिस्टेंस आर है, ठीक है, इसका डायमेट्रिकली इंड का मतलब क्या हो गया, डायमेट्रिकली इंड में डायमीटर का इंड, आपको अक्सर ध्यान में पूछा हुआ क्वेश्चन बोर्ड में है, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका दो इंड है डायमीटर, कहीं भी यहां ले लो तो भी सही, यहां लोगे तो भी सही, यहां कहीं भी डायमीटर का दो इंड ले लीजिए, डायमीटर के दोनों इंड के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालने एग्जाम में ऑप्शन आया हुआ है, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमेट्रिकली इंड्स ऑफ द कंडक्टर, डायमीटर मान लो होगा ये इसका इंड हो गया, इस इंड के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस, बोलिए बैटरी ही जोड़ेंगे ना, जोड़ दिए ये प्लस ये माइनस, बोलिए ऊपर का ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो गया आर बाई टू, नीचे का ब्रांच क्या हो आर बाई टू ना, क्यों क्यों ये पूरा आर था, ये पूरा आर हो गया, हाफ ऊपर हाफ नीचे, ठीक है, कह रहे तो इसका आंसर क्या हो गया आर बाई टू हो गया, नहीं ये दोनों सीरीज के पैरेलल, पैरेलल पैरेलल का रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़े है ना, R1 into R2 by R1 plus R2, सॉल्व कर लेंगे इसको, जो आएगा उसको आंसर हो जाएगा, अब जो आएगा उसको इनके आंसर कर देना, ये रिजल्टेंट का सिंबल है, इक्विवेलेंट करते हैं इसको EQ, ठीक है, क्या हो जाएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, स्क्वायर में कल एग्जाम में घुमा गया स्क्वायर, उससे तो आपको रेक्टेंगल दे सकता है, रेक्टेंगल रहेगा तब क्या होगा, ये एग्जाम देखो हम क्वेश्चन अपने मन से दे रहे हैं आपको, इसको सोच कर सर नोट कर लिए इसको, नोट क्या करोगे सिखा ही नहीं है, एक रेजिस्टेंस अगर बीडी के अक्रॉस जुड़ जाएगा तब उसको कहते हैं बीटस्टोन ब्रिज, उस केस में बीच वाला है काम नहीं करता है, जब आपको हम पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए हो पढ़ाए होंगे कि नहीं पढ़ाए हैं, भूल गया सर लास्ट 12 में है लेकिन पढ़ाए थे पांच को, एनटीएससी का क्वेश्चन दिया है तुम पूछ रहे हो, तुम देखो है ना ये बीच पे चल गया था है कि नहीं पढ़ाया देखो तो जरूर पढ़ाऊंगा हमको याद है अभी तक दिया है ना कहाँ दिया हो नहीं ये ये नहीं है एक बार बात नहीं पढ़ा मान लीजिए नहीं पढ़ा ठीक है मान लीजिए नहीं पढ़ा है मान लिया नहीं करता कितना पढ़ा मान लिया आग है आग इतना पढ़ लेती है नहीं वैसे ही मान लो इसको भी ध्यान दे बात नहीं ये आर वन है ये आर टू है ये आर थ्री है ये आर फोर है और ये आर फाइव बात के साथ रहोगे देखो इसे कहते हैं गेहूं पुल पत्थर विद स्टोन ब्रिज ये क्वेश्चन आप इस बात नहीं कीजिएगा ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है हम इसको करवाते हैं अभी फिलहाल लेकिन पढ़ाई नहीं थी चीज को अभी हम ये क्वेश्चन सेम तुमको दे रहे हैं देखो सर्कल का आया है ना सर्कल के अलावा भी देख लो कौन सा ये था हुआ एनटीएससी एसेट टारगेट एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का काम किया है ये क्वेश्चन जो आपको हम बोलना चाह रहे थे क्वेश्चन वो भी है एक सेकंड सब प्रोवाइड तो पढ़ाएंगे तो भागो मैंने पढ़ाई प्रोवाइड से देखो यही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दिख रहा पढ़ रहा है ना एक दो तीन चार एक बीच में पांच ये भी तो बैटरी वाला क्या बोले बैटरी वाला कर लूंगा कहां बैटरी ये भी पॉइंट से वो तो लगाओ ये इधर खींचेंगे इधर खींचेंगे क्या बन जाएगा नहीं बन जाएगा सोचो बी ए इधर खींचेंगे ये दोनों सीरीज में उधर वाला दोनों सीरीज और वो यहां आपस में टाइम चलते हाँ ये चार ही पोका है पांच पोका नहीं है चार का ही है तो वही यहाँ भी करेंगे यहाँ बीच का डिस्टेंस का गायब कर देंगे
देखिए यहाँ क्या होगा, जब भी सुनो क्या होगा, ये मान लो दो दिया हुआ है ओम, ये दिया हुआ चार ओम, ये दिया हुआ तीन ओम, ये दिया हुआ छ ओम, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो टेंथ लेवल पूछेगा, क्यों सुनोगे, अगर आर वन और आर थ्री का रेशियो आर टू और आर फोर का रेशियो सेम हो, सेम है, दो बाय चार बाय टू आएगा, तीन बाय छ बाय टू आएगा ना। अगर आर वन और आर थ्री का रेशियो आर टू आर फोर का रेशियो सेम होगा तो वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज को कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, नहीं पढ़ा है तब सॉल्व करने के लिए आपको लूप रूल अपनाना पड़ेगा, जो आपको अभी नहीं पढ़ना है, उसको लूप रूल कहते हैं या किरचॉफ सेकंड रूल कहते हैं। आरू चौप नहीं बोल रहे हैं, किरचॉफ सेकंड रूल बोलते हैं उसको, उससे बनेगा फिर ये, ठीक है, वो पढ़ना आपको भी नहीं पढ़ना है। अगर कब ये कब बनेगा इस रूल से, जब ये सेम नहीं हुआ तो, और अगर टेंथ में आपको ये क्वेश्चन पूछ भी देगा तो जरूर ये सेम होगा, तब जब ये सेम होगा तो बीच का काम करना बंद कर दिया, जब बीच का काम करना बंद कर दिया तो ये दोनों किसमें सीरीज सीरीज निकाल लेंगे, इसका रिजल्टेंट आपस में पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। बैलेंस्ड कहें तो जब दो सेम होगा रेशियो, बेटा इसको हाँ वही को